हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं वन विचार वन के प्रकार संयुक्त व्यंजन त्रिवृदय व्यंजन र के रूप वन विच्छेद ये सब आज हम लोग सीखने वाले हैं तो इधर आप देख सकते हो ऊपर मैंने आज का जो टॉपिक है चैप्टर का नाम वन विचार है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फोनोलॉजी फोनोलॉजी का मतलब जो हमारी हमारे साउंड अल्फाबेट्स और लेटर से जो साउंड आते हैं कैसे प्रोनाउंस होता है उसको कहा जाता है फोनोलॉजी ओके okay? और ही वर्न मीन्स अल्फाबेट्स लेटर्स भी हम लोग बोल सकते हैं तो ये जो वर्न है कितने प्रकार के हैं स्वर एंड व्यंजन दो प्रकार के वर्ण हैं जो स्वर वी आर कॉलिंग इट वॉवेस इन इंग्लिश एंड व्यंजन वी आर कॉलिंग इट कॉन्सोनेंस स्वर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल्स और व्यंजन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेस नाउ लेट्स सी मेनी स्वर भी है अभी हम लोग देखेंगे कितने स्वर हैं हमारे अ आ ई ई ऊ री ए ऐ ओ औ इतने स्वर हैं है। अंग आ भी है इन इसको कहता है इसको कहा जाता है अनुस्वार और इसको कहा जाता है विसर्ग ठीक है तो कितने हैं स्वर हम लोग ये अनुस्वर और विसर्गों को, को हम लोग स्वर में नहीं गिनते हैं ठीक है ठीके? पर ये इन, इनकी मात्रा होती है इसलिए मैंने इधर लिखा हुआ है इसको चलो हम गिनते हैं स्वर कितने हैं हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो हमारे पास कितने स्वर हैं ग्यारह ठीक है हमारे पास

श स स ह, त्र ग्य श्री पर ये जो चार ये जो व्यंजन है हम लोग इनके साथ नहीं गिनते हैं इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इन चारों को पहले हम व्यंजन गिन लेते हैं हमारे कितने हमारे हमारे व्यंजन में कितने वन होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री हमारे पास कितने व्यंजन हैं थर्टी थ्री तैतीस हमारे पास तैतीस व्यंजन है ठीक है तो अभी क्लियर हो गया है हमारे हमारे वन दो प्रकार के हैं एक है स्वर वन और एक और है व्यंजन वन स्वर को हम वॉवल्स कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सनेंस हमारे पास कितने स्वर है ग्यारह कितने व्यंजन है तैतीस ठीक है और जो हम लोग ने स्वर में अंग अहा जो पड़ा था जैसे अंग को हम लोग अनुस्वार कहते हैं जो अनुस्वार है शब्दों में जब अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उनका साउंड अलग हो जाता है जैसे बंदर ठीक है विसर्ग भी विसर्ग का भी हम लोग स्वर स्वर में लिखते हैं क्योंकि उनकी मात्राएं होती है ये इसको मात्राएं भी कहा जाता है ठीक है तो इन इस, इनको ये जो विसर्ग है शब्दों के अंत में हम लोग जोड़ते हैं और इस इनका जो साउंड होता है और अलग हो जाता है इनको जोड़ने के बाद जैसे है जैसे कि अत आहा है ना ये इसको आहा कहा जाता है तो अत ह, अत ह हो जाता है अनुना अनुनासिक अभी अनुनासिक जो है वो है चंद्रबिंदु शब्द में लगा के इनका इनका भी साउंड अलग हो जाता है चांद ठीक है अभी हम लोग संयुक्त व्यंजन की ओर चलेंगे ये पेज नंबर थर्टीन में आप लोग देख सकते हैं आपके सरस्वती व्याकरण निधि टेक्स बुक के अंदर पेज नंबर थर्टीन थर्टीन में देख सकते हो जैसे कि मैंने व्यंजन में ये लास्ट में जो लिखा था चार वन श त्र ग्य श्री ये स, इसको संयुक्त तो व्यंजन कहा जाता है संयुक्त तो व्यंजन क्यों कहा जाता है मैं अभी आपको समझाती हूँ संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है व्यंजन जो व्यंजन के वर्ण हैं अगर दो हम लोग दो व्यंजन वर्ण इस्तेमाल करते हैं तो वो कहा जाता है संयुक्त व्यंजन जैसे कि श्य श्य कैसे बना क और श को मिला के श्य बना दिस, अभी देखो ये व्यंजन के वर्ण हैं ये रहा क और ये रहा तो इन दोनों को मिला के क्या बना था संयुक्त व्यंजन का श्य ठीक है उनके साथ ये मात्रा भी रखा है इनका इसका कोई मात अ का कोई मात्रा नहीं होता है ना इसलिए क और श को मिला के श्य बना अभी त्र कैसे बना त और र को एक साथ मिला के त्र बना ये रहा त और ये रहा र इन दोनों को मिला के उसके उसके साथ होता है अ स्वर का अ जिसका कोई मात्रा नहीं होता है ठीक है ये त्र बन गया अभी ज्ञ कैसे बनेगा ये न्य और ज को मिला के ज्ञ बनता है ज और य को मिला के बनता है य हर शब्दों में जब भी होता है जब हम लोग कोई शब्द भी बनाते हैं यह स्वर के बिना कोई भी शब्द कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि स्वर के अंदर एक वर्ण है जिनका कोई मात्रा नहीं होता है ये हर वक़्त अगर कोई मात्रा नहीं है तो ये लगता है इसलिए स्वर के बिना कोई भी जो शब्द हम बनाते हैं वो कंप्लीट नहीं होता है ठीक है अभी हम लोग देखेंगे श्री कैसे बनता है श्री कैसे बनता है श और र को मिला के श और र प्लस अ की जैसे कोई मात्रा नहीं है श और र को मिला के बनता है श्री ये हो गया संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन का मतलब है व्यंजन से अगर दो वन लेते हैं तो वो बनता है संयुक्त व्यंजन ये चारों वन दो वनों से बना है व्यंजन के दो वनों से बना है इसलिए इसको कहा जाता संयुक्त व्यंजन अभी हम लोग देखेंगे ध्रिवय व्यंजन किसे कहते हैं ध्रिव व्यंजन का मतलब होता है अगर हम लोग दो वण एक साथ लिखेंगे तो वो कहलाता है ध्रव्यत व्यंजन के जैसे कि ये क च आदर च आकार कच्चा दर च जो वर्ण है दो बार हमने इस्तेमाल किया है एक साथ इसलिए इसको ध्रिव व्यंजन कहा जाता है जो पहला जो वर्ण है इसके पास कोई मात्रा नहीं है ये इन्हीं के स्वर इसके कोई स्वर इसके साथ कोई स्वर नहीं है पर ये व्यंजन के साथ ही जुड़ा है पर जो दूसरा जो व्यंजन है ये इसके साथ स्वर है ठीक है पहले पहले जो पहला जो व्यंजन होता है उसके को उसके साथ कोई इसके साथ कोई स्वर प्रयोग नहीं होता है पर दूसरा जब हम लोग दूसरे बार जो सेम व्यंजन यूज़ करते हैं उनके उसके साथ स्वर इस्तेमाल होता है जैसे इस ये जो व्यंजन है एक साथ अगर इस्तेमाल होता है तो वो होता है ध्रवीतीय व्यंजन तो संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन को मिला के जब एक वर्ण बनता है तो वो कहलाता है संयुक्त व्यंजन और द्रव्यय व्यंजन का मतलब है एक ही व्यंजन दो बार इस्तेमाल जब होता है तो वो कहलाता है ध्रवीद व्यंजन अभी हम देखेंगे र के विभिन्न रूप र के विभिन्न रूप अब अभी हम लोग देखेंगे जैसे कि आपने देखा ये व्यंजन के नीचे जो मैंने ये साइन रखा है उसको कहा जाता है हलन ठीक है इनको कहा जाता है हलन जब भी हम लोग ये ये जो अलग अलग अगर हम लोग भाग में बांट देते हैं अलग अलग जब होता है उसको बोलते हैं वन विच्छेद इस वन विच्छेद विच्छेद को हम लोग एक साथ एक शब्द में अभी हम लोग बनाएंगे ठीक है जब जब भी हम लोग ये वन विच्छेद करते हैं व्यंजन के नीचे ये हलंत रहता है इसको हलंत कहा जाता है ठीक है अभी हम लोग कितने रूप से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखेंगे जैसे अभी हम लोग करने वाले हैं क हमने इधर क लिख दिया ये र को बिना इधर लिखे उसका उसका हम लोग साइन में इस्तेमाल करेंगे जैसे कि इधर ये क हो गया ये अभी ये अ।, अ की जैसे कोई मात्रा नहीं होती है इधर देख सकते हो इधर मैंने मात्राएं लिखे हुए हैं इधर मैंने मात्राएं लिखे हुए हैं जैसे कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है इसलिए हमने इधर भी कोई मात्रा नहीं रह, रहेगा क के बाद जो हमने चिन्ह लगा दिया इधर र का उसके बाद अ है दैट मीन्स कोई मात्रा नहीं है उसके बाद क्या आया कौन सा व्यंजन आया म ठीक है अभी हम लोग म इधर लिख देंगे फिर स्वर फिर से आया इस स्वर का कोई मात्रा नहीं है इसलिए हम लोग कोई मात्रा नहीं रखेंगे नेक्स्ट भ और कौन सा व्यंजन है र इसको ये रा चिन्ह दे दिया हमने ये स्वर का कोई मात्रा नहीं है इसलिए हम लोग कोई मात्रा नहीं रखेंगे उसके बाद कौन सा व्यंजन आता है म का तो हम लोग अब अभी म लिखते हैं उसके बाद देखो कि फिर से स्वर आया है इस स्वर का कोई मात्रा नहीं है इसलिए हम लोग कोई मात्रा नहीं रखेंगे ब्रह्म हो गया ये शब्द ठीक है ठीके? अभी कौन सा व्यंजन है ट इस टर्म में क्या करेंगे क्योंकि हम लोग को व्यंजन र भी लिखना है तो जो हलंत है जिसको हम ये हलंत बोलते हैं वो इधर इसके साथ रहेगा और ये रह गया इनके साथ ठीक है और कौन सा स्वर है अ का इनकी कोई मात्रा नहीं है उसके बाद कौन सा व्यंजन म और कौन सा स्वर अ जिनकी कोई मात्रा नहीं है तो क्या हो गया ट्राम नेक्स्ट इनके भी नीचे हलंत होगा और र का चिन्ह हो जाएगा फिर स्वर में कोई मात्रा नहीं है अ के स्वर में उसके बाद आता है व्यंजन म उसके बाद कौन सा स्वर है अ जिसकी कोई मात्रा नहीं है तो ट्राम हो गया अब हम देखेंगे वन विच्छेद वन विच्छेद कैसे कहते हैं इधर हम उन्होंने शब्द दिया है उन शब्द को हम लोग अलग अलग भाग में करेंगे व्यंजन और स्वर में को मिला के उनका भाग अलग कर देंगे ऐसे ठीक है तो उनको कहा जाता है वन विच्छेद अभी हम लोग वन विच्छेद करते हैं ये जो ई है ये ई स्वर है ठीक है ये स्वर है इसलिए इसका कोई मात्रा नहीं होगा ना कि हम लोग कोई और स्वर लिखेंगे अगर स्वर पहले से ही होता है तो हम इधर डायरेक्ट स्वर लिख देते हैं ठीक है अगर कोई स्वर को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं उनके नीचे कोई हलंत नहीं होता है हम लोग को सिर्फ यही लिखना है उनके नीचे कोई हलंत नहीं रहेगा उसके बाद प्लस फिर आता है व्यंजन ध अगर व्यंजन है तो उनके नीचे हलंत होगा फिर प्लस ध में कोई मात्रा है कोई मात्रा नहीं है तो हमारे पास स्वर में बिना मात्रा वाले कौन सा स्वर है अ है तो ये अ जाएगा इधर उसके बाद आता है र एक व्यंजन है उसके नीचे होगा हलन फिर र के बाद कोई स्वर नहीं है तो स्वर बिना स्वर वाला बिना मात्राएं वाले कौन सा स्वर है अ याद रखिए कि जब भी हम लोग स्वर लिखेंगे उनके नीचे कोई हलन्त नहीं होता है अभी आएंगे ए ए होता है स्वर तो इसके नीचे कोई हलंत नहीं होगा उसके बाद क्या आता है क क व्यंजन है तो इसके नीचे हलंत होगा क के बाद कोई मात्रा है कोई मात्रा नहीं है इसलिए बिना मात्रा वाले स्वर क्या है अ फिर से आप देख सकते हो ये ई है जो स्वर है तो हम लोग इसमें कोई हलंत नहीं होगा उसके बाद अगर जब भी हम स्वर लिखते हैं तो दोबारा उसका स्वर लिखने की जरूरत नहीं है उनकी मात्रा देखने की जरूरत नहीं है हमें फिर आता है व्यंजन इसमें हलंत लगेगा मो के बाद मात्रा है आ की तो ये कौन सा स्वर है आ की जो मात्रा ये है तो कौन सा स्वर यह आ तो ये अ हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट उसके बाद आता है व्यंजन न हलंत लगेगा उसके बाद इनकी कोई मात्रा नहीं बिना मात्रा वाला स्वर है अ फिर है ये त्र जैसे संयुक्त व्यंजन है त्र संयुक्त व्यंजन है दो व्यंजन को मिला के त्र बनता है कौन कौन से हैं वो ये रहा त्र कौन से दो व्यंजन बना के त्र बनता है त और रा। तो त और र दोनों लिखेंगे हम लोग व्यंजन त ये हो गया त्रि त्र का संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन मिला के उसको लिख दिया इधर उसके मात्र उसके बाद छोटी एक की मात्रा है छोटी एक की मात्रा वाले कौन से स्वर है ये ई छोटी ई तो ये हम लोग लिखेंगे इधर उसके बाद आता है व्यंजन है उसके नीचे हलंत होगा फिर छोटी ऊ की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा वाले हैं ये फिर आता है व्यंजन ज हलंत लगेगा ज में कोई मात्रा नहीं है तो बिना मात्रा वाला कौन सा है अ अभी ये अंग ये अंग है तो ये स्वर में हम लोग काउंट करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग अंग लिखेंगे उसके बाद आता है व्यंजन हलत लगेगा और उसके कोई मात्रा नहीं है तो बिना मात्रा वाला स्वर है अ उसके बाद आता है प प है व्यंजन हलत लगेगा है चंद्र बिंदु का तो वो क्या होगा ये कि उसके बाद आता है वो व्यंजन उसके बाद आता है ये बिना वो वो बिना मात्रा वाले हैं तो कौन सा स्वर होगा ओ फिर आता है उ ऊ है स्वर तो कोई हलन नहीं लगेगा उसके बाद उनका कोई स्वर दोबारा नहीं लिख सकते हैं बिना अ वाला ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये ही स्वर है तो उसके बाद आता है व्यंजन अलग लगेगा उसके बाद बिना मात्रा वाले अ फिर व्यंजन कोई मात्रा नहीं है तो बिना मात्रा वाले स्वर है अ फिर आता है व्यंजन न अलग लगेगा बिना मात्रा वाला स्वर है अ लास्ट है ये प्र प्र कैसे बना प और र। दो व्यंजन प र। ठीक है कोई मात्रा नहीं है तो फिर क्या है कौन सा स्वर और हो गया इधर ये आधा श है तो फिर दो व्यंजन है और न कोई मात्रा नहीं है तो फिर कौन सा बिना मात्रा वाला स्वर अ ठीक है तो हम हाँ। र का एक और रूप आपको दिखाना चाहती थी वो लास्ट में ये जो स्वर में से जो री है वो र जैसे ही साउंड करता है इधर ये री उपयोग होगा र के बदले में देखते हैं कैसे क और री की मात्रा आपको पता है ये है दो व्यंजन एक साथ है हलन तनके में तो ये आधा श होगा फिर न फिर इसमें कोई मात्रा कृष्ण हो जाएगा ठीक है फिर यह व्यंजन है द फिर स्वर आया है फिर ये दो व्यंजन एक साथ तो आधा प द, हो गया और इस स्वर में कोई मात्रा नहीं है इसलिए बिना मात्रा के ठीक so, है सो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा समझा है वन विचार वन के प्रकार संयुक्त व्यंजन जिवित व्यंजन र के रूप वन विचे थैंक यू